क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पिछले दिनों ही कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा बीजेपी पर मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए गए थे। इसी कड़ी में भूतपूर्व विधायक और प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी के आत्माराम पटेल द्वारा एक पत्रकार वार्ता में इन आरोपों को गलत बताया गया। सोमवार को जो है शालिवाहन मंदिर में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जिसको कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के वर्तमान के कसरावत के विधायक सचिन यादव जी ने संबोधित किया और दोनों ही नेताओं ने इस कसरावत विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोगों ने 20,000 फर्जी नाम जोड़ दिए हैं, इस तरह का आरोप लगाया है जो कि बेबुनियाद है, झूठा है। कहीं से कहीं तक इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न किया है और न करते हैं। हम लोकतंत्र के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन मेरा आरोप है कि सुभाष यादव जी और सचिन यादव जी का जो घर है 104 मतदाता। तो चारई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों की बरसी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग और महंगाई के विरोध में चांद से चौराई तक 25 किलोमीटर की बैलगाड़ी यात्रा निकाली। इसके साथ इन्होंने 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा।